हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज हम लोग करेंगे ट्यूटोरियल, लाइक आप लोग रियलिस्टिक आई इजीली कैसे ड्रॉ कर सकते हो। मैंने बहुत जन के ड्राइंग्स देखे, वो लोग के ड्राइंग्स फ्लैट लगते हैं बिकॉज वो लोग डार्क एरियाज को प्रॉपरली शेड नहीं करते और प्रॉपरली हाईलाइट्स नहीं देते, जिसके कारण उन लोग की ड्राइंग फ्लैट लगती है और 3D और रियलिस्टिक नहीं लगती। सो मैं आज कुछ स्टेप्स बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप लोग एक रियलिस्टिक ड्राइंग बना सकते हो। और अगर आप लोग को और ऐसे ट्यूटोरियल्स चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलते रहे और मैं आपके लिए और ऐसे ट्यूटोरियल्स लाते रहूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी आय सेम नहीं होती, लाइक हर एक का एक्सप्रेशन अलग होता है। तो आप लोग जो स्केच ड्रॉ कर रहे हो उसका एक्सप्रेशन अलग होगा, तो कोई भी आय सेम नहीं होती, तो उसके लिए मैं शेप नहीं बता सकता प्रॉपर, बट आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बता सकता हूँ। उसके लिए आप पहले एक लाइन ड्रॉ कर लो नॉर्मल, ताकि आप लोग को दोनों पॉइंट्स के प्रॉपर एक वे में मिल जाए। जिसके मदद से आप लोग इजीली आई ड्रॉ कर सकते हो। सेकंड थिंग, ये जो आयरिस वो ऊपर थोड़ा सा कट रहेगा और नीचे भी थोड़ा सा कट रहेगा, नीचे कम कट रहेगा और ऊपर थोड़ा ज़्यादा कट रहेगा, बिकॉज आयरिस कभी भी आईज में पूरा नहीं दिखता है। अगर अलग एक्सप्रेशन है तो अलग बात है। थर्ड थिंग, आई लैशेस, कभी भी आई लैशेस स्ट्रेट नहीं होती, तो आप लोग नीचे से ऊपर जाओगे कुछ इस तरीके से, और यही तरीके से आपको आई लैशेस ड्रॉ करना है, ना कि स्ट्रेट लाइन जैसे अभी कर रहा हूँ। स्ट्रेट नहीं चाहिए, ये ऐसे स्ट्रेट नहीं, ये 3D नहीं लगेगा, बस आई लैशेस नीचे से जाके ऊपर आती है, कुछ इस तरह से आप लोग को ड्रॉ करना है आई लैशेस। तो जो स्ट्रेट ड्रॉ करते हो बिल्कुल ही रॉन्ग है, तो स्ट्रेट आई लैशेस मत ड्रॉ करो। फोर्थ थिंग, आईब्रो, आईब्रो को आप लोग आपके फ़ोटो के हिसाब से मेजरमेंट लोगे, जैसे कि मैं मेरे फ़ोटो में इतना आईब्रो है उस हिसाब से मेजरमेंट लेके मैं आईब्रो ड्रॉ कर रहा हूँ। बिकॉज कुछ कुछ लोग का आईब्रोज पूरा नहीं होता है, या फिर पतला होता है, या फिर पूरा एंड तक नहीं होता, हाफ में ही होता है आईब्रो। तो स्टार्ट करते वक्त आप लोग नीचे से ऐसे कुछ इस तरह से स्टार्ट करोगे और एंड इस तरह से करोगे, और ऊपर के जो आईब्रो के हेयर्स है वो नीचे की तरफ पॉइंट करेंगे, ताकि आप लोग का नीचे का जो आईब्रो का लास्ट एंड का पोर्शन है वो एक एरो की तरफ तरीके से दिखेगा। तो अभी मैं आप लोग को एक रियलिस्टिक आई ड्रॉ करके बताता हूँ, जिससे आप लोग को एक आइडिया आ जाए कि आप लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हो हाइलाइट्स और डार्क एरियाज के साथ। तो अभी आप लोग को स्टार्ट करना है एक बेसिक आउटलाइन के साथ, जो मैं HB पेंसिल से ड्रॉ कर रहा हूँ आउटलाइन की, कुछ इस तरीके से लाइट आउटलाइन ड्रॉ कर लो। अभी मैं यूज़ करूँगा चारकोल पेंसिल आयरिस के लिए और डार्क एरियाज़ के लिए, कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल्स जो किसी भी स्टोर में अवेलेबल है, और जो जो डार्क एरियाज है जैसे कि अभी प्यूपिल में मैं कर दूँगा डार्क पूरा, और आयरिस के कॉर्नर्स में, मतलब पूरा बॉर्डर में पूरा डार्क रहेगा। और अब ब्लेंड कर रहा हूँ ब्रश से ताकि स्मूथ टेक्सचर आ जाए, और अब जो माइन्यूट डिटेलिंग है
जो आयरिस में रहती है वो इजी है बहुत, तो आप लोग बहुत इजीली कर सकते हो। और पेपर स्टम्प से थोड़ा स्मच कर दूंगा और टॉम्बो इरेजर से थोड़ा हाइलाइट्स। और ये जो वाइट पोर्शन रहता है वो कभी भी वाइट पोर्शन नहीं होता है पूरी तरीके से, वो थोड़ा ग्रेइश टोन होता है उसमें। कभी भी पूरा वाइट मत छोड़ो, उसे ब्लैंक मत छोड़ना। ताकि वो रियलिस्टिक लगे ज़्यादा से ज़्यादा। और डीप डीप एरियाज में आपको डार्क शेड ही करना है। स्किन की शेडिंग आपको इमेज के रेफरेंस से ही करनी है। और आई लैशेस कुछ इस तरीके से ड्रॉ करने हैं। और ये जो मैंने वाइट पोर्शन बीच में छोड़ा था वो रिफ्लेक्शन के लिए छोड़ा था, ताकि आई ज़्यादा रियलिस्टिक लगे। आई लैशेस कुछ इस तरीके से होंगे, नीचे से ऊपर जाना है आपको, ना कि स्ट्रेट बट कर्व जाना है आपको। स्किन का टेक्सचर और स्मूथनेस आप लोग फोटो के हिसाब से आप करोगे। ये जो वाइट पोर्शन छोड़ा है वो डेप्थ दिखाने के लिए कि उधर थिक स्किन है। और ये वाइट हाइलाइट्स और ये डार्क शेडोज, कुछ इस तरीके से आपको करना है। नीचे के आईलैशेस भी आपको सेम तरीके से करना है, कर्व करना है ध्यान देके। और आप लोग एक के ऊपर एक आईलैशेस करोगे तो और अच्छा लगेगा। आईब्रोज जैसे मैंने बोला था आपको वैसे करना है, बट एक एक हेयर ऑब्जर्व करके। आप लोग आपके हिसाब से भी कर सकते हो, बट आप लोग को फॉर्म याद रखना है कि किस तरीके से वो हेयर जा रहे हैं, उस तरीके से आपको करना है। और ये स्किन का टेक्सचर, अगर आपको और ज़्यादा रियलिस्टिक ड्राइंग बनाने की है तो आप लोग स्किन का टेक्सचर दे सकते हो। ये मैं वाइट जेल पेन यूज़ कर रहा हूँ हाइलाइट्स के लिए और टॉम्बो मोनो 0 इरेजर। तो इस तरीके से आप लोग रियलिस्टिक आई ड्रॉ कर सकते हो इजीली ये स्टेप्स फॉलो करके। और अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मैं और ऐसे ट्यूटोरियल्स डालते रहो और आपको नोटिफिकेशन आते रहे। तो उसके लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।